वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशनल राग दरबारी उपन्यास श्रीलाल शुक्ल अध्याय 14। कार्तिक पूर्णिमा को शिवपालगंज से लगभग 5 मील की दूरी पर एक मेला लगता है। वहां जंगल है, एक टीला है, उस पर देवी का एक मंदिर है और चारों ओर बिखरी हुई किसी पुरानी इमारत की ईंटें हैं। जंगल में करौंदे, मकोए और बेर के झाड़ है और ऊंची नीची जमीन है। खरगोश से लेकर भेड़िए तक, भट्टा चोरों से लेकर डकैत तक इस जंगल में आसानी से छिपे रहते हैं। नजदीक के गांवों में जो प्रेम संबंध आत्मा के स्तर पर कायम होते हैं, उनकी व्याख्या इस जंगल में शरीर के स्तर पर होती है। शहर से भी यहां का भी पिकनिक करने वालों के जोड़े घूमने के लिए आते हैं और एक दूसरे को अपना क्रियात्मक ज्ञान दिखाकर और कभी कभी लगे हाथ मंदिर में दर्शन करके सिकुड़ता हुआ तन और फूलता हुआ मन लेकर वापस चले जाते हैं। इस क्षेत्र के रहने वालों को इस टीले का बड़ा अभिमान है, क्योंकि यही उनका अजंता, एलोरा, खजुराहो और महाबलीपुरम है। उन्हें यकीन है कि यह मंदिर देवासुर संग्राम के बाद देवताओं ने अपने हाथ से देवी के रहने के लिए बन किया था। टीले के बारे में उनका कहना है कि उसके नीचे बहुत बड़ा खजाना गड़ा हुआ है। इस तरह अर्थ, धर्म और इतिहास के हिसाब से यह टीला बहुत महत्व का है। इतिहास और पुरातत्व जानने के कारण रंगनाथ की बड़ी इच्छा थी कि वह इस टीले का सर्वेक्षण करे। उसे बताया गया था कि वहां की मूर्तियां गुप्तकालीन हैं और मिट्टी के बहुत से ठीकरे, जिन्हें टेराकोटा कहा जाता है, मौर्यकालीन है। अवधि के कवि स्वाईस की एक रचना है। माला मदार मा मुंह खोली के सिमनी बांटनी, ससुर का देखी के घूघट निकसा डेत था। खड़ी बोली में इसका रूपांतर यूं हो सकता है, मेले ठेले में तो मुंह खोल के सिमनी बांटी, ससुर को देख के घूघट खींचा मीटर भर। वे सब मेले में जा रही थी। भारतीय नारीत्व इस समय फनफना कर अपने खोल के बाहर आ गया था। वे बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी। मुंह पर न घूंघट था न लगाम थी। फेफड़े, गले और जबान को चीरती ही आवाज में वे चीख रही थी और एक ऐसी चिचियाहट निकाल रही थी जिसे शहराती विद्वान और रेडियो विभाग के नौकर ग्राम गीत कहते हैं। औरतों के झुंड के झुंड इसी तरह निकलते चले जा रहे थे। रुक्पन बाबू, रंगनाथ, सनीचर और जोगनाथ मेले के रास्ते से हटकर एक सकरी सी पगडंडी पर चलने लगे थे। औरतों के कई रेले जब देखते देखते आगे निकल गए तो छोटे पहलवान ने कहा, सब इस तरह चिंघार रही हैं जैसे कोई भी खून से दे रहा हो। सनीचर ने बताया, मेला है, औरतों के आगे पीछे बच्चे और मर्द सब उसी तरह धल का बवंडर उड़ाते हैं, तेजी से बढ़े जा रहे थे। बैलगाड़ियां आश्चर्यजनक ढंग से अपने लिए रास्ता निकालती हुई दौड़ की प्रतियोगिता कर रही थी। पैदल चलने वाले उससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक ढंग से अपने को उनकी चपेट से बचाए हुए थे और साबित कर रहे थे कि शहर के चौराहों पर सभी मोटरें आमने सामने से लड़कर अगर चकनाचूर नहीं होती तो उनसे पुलिस की खूबी नहीं साबित होती, बल्कि यही साबित होता है कि लोगों को आत्मरक्षा का शौक है। यानी जो प्रवृत्ति बिना पुलिस की मदद के जंगल में खरगोश को खूंखार जानवरों से बचाती है या शहर में पैदल चलने वालों को ट्रक ड्राइवरों के बावजूद जिंदा रखती है, वही मेला जाने वालों की रक्षा बैलगाड़ियों की चपेट से कर रही थी। मेले का जोश बुलंदी पर था और ऑल इंडिया रेडियो अगर इस पर रनिंग कमेंट्री देता तो यह जरूर साबित कर देता कि पंचवर श्रेय योजनाओं के कारण शहाल है और गाते बजाते एक दूसरे पर प्रेम और आनंद की वर्षा करते हुए मेला देखने जा रहे हैं। पर रंगनाथ को गाँव में आए हैं लगभग 1.5 महीना हो गया था। उसकी समझ में इतना आ गया था कि बनी यान और अंडरवियर पहनने वाला सनीचर सिर्फ हंसने की खूबी के कारण ही बिरला और डालमिया से बड़ा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हंसना कोई बड़ी बात नहीं है। जिस किसी का हाजमा ठीक है वह हंसने के लिए नौकर रखा जा सकता है और यही बात गाने पर भी लागू है। रंगनाथ ने मेले को गौर से देखना शुरू किया और देखते ही इस जोशो खरोश की पोल खुल गई। जाड़ा शुरू हो जाने पर भी उसे किसी की देह पर ऊनी कोट नहीं दिख पड़ा। कुछ बच्चे एकाध फटे स्वेटर पहने हुए जरूर नजर आए। औरतें रंगीन पर सस्ती सिल्क की साड़ियों में लिपटी दीख पड़ी, पर ज्यादातर सभी नंगे पांव थीं और मर्दों की हालत का तो कहना ही क्या, हिंदुस्तानी छेला, आधा उजला आधा मैला। यह सब देखने और समझने के मुकाबले पुरातत्व पढ़ना बड़ा सुंदर व्यवसाय है, उसने अपने आप को चिढ़ाते हुए सोचा और रुक्पन बाबू की ओर सिर घुमा दिया। रुक्पन बाबू ने शोर मचाकर 3 साइकिल सवारों को नीचे उतार लिया। भीड़ से बचकर वे गलियारे के किनारे अपनी साइकिलें संभाल कर खड़े हो गए। एक आदमी जो इन तीनों का सरदार जैसा दिखता था सिर से एक बदरंग हैट उतारकर मुंह पर हवा करने लगा। ठंड थी पर उसके माथे पर पसीना आ गया था। वह हाफ पैंट, कमीज और खुले गले का कोट पहने था। हाफ पैंट बाहर निकले है पेट पर से खिसक न जाए इसलिए उसे पेटी से काफी कसकर बांधा गया था और इस तरह पेट का क्षेत्रफल 2 भागों में लगभग बराबर बरा।
बर बंट चुका था। सरदार के दोनों साथी धोती कुर्ता टोपी वाले आदमी थे और शक्ल से बदतमीज दिखने के बावजूद अपने सरदार से बड़ी तमीज के साथ पेश आ रहे थे। आज तो मेले में चारों तरफ रुपया ही रुपया होगा साहब। उस आदमी ने आंख मूंद कर सिर हिलाते हुए समझदारी से कहा, होगा, पर अब रुपये की कोई वैल्यू नहीं रही रुपन बाबू। रुपन बाबू ने उस आदमी से कुछ और बातें की जिनका सम बंद मिठाइयों से और विशेषतः खोए से था। अचानक उस आदमी ने रुपन बाबू की बात सुननी बंद कर दी। बोला, ठहरिए रुपन बाबू, कहकर उसने साइकिल अपने एक साथी को पकड़ाई है दूसरे साथी को और मोटी मोटी टांगों से आड़ा तिरछा चलता हुआ पास के अरहर के खेत में पहुंच गया। बिना इस बात का लिहाज किए है कि कई लोग खेत के बीच की पगडंडी से निकल रहे हैं और अरहर के पौधे काफी घने नहीं है, वह दौड़ने की कोशिश में फंस गया। बड़ी मुश्किल से कोट और कमीज के बटन खोलकर उसने अंदर से जनेऊ खींचा। जब वह काफी खींच पाया तो उसने गर्दन एक ओर झुकाकर किसी तरह जनेऊ का एक अंश कान पर उलझा लिया, फिर कसी हुई हाफ पैंट से संघर्ष करता हुआ किसी तरह घुटनों पर झुककर अरहर के खेत में पानी की धार गिराने लगा। रंगनाथ को तब तक पता चल चुका था कि हिट वाले आदमी का नाम सिंह साहब है। वे इस हल्के के सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं। यह भी मालूम था कि उनकी साइकिल पकड़कर खड़ा होने वाला आदमी जिला बोर्ड का मेंबर है और हेड पकड़कर खड़ा होने वाला आदमी उसी बोर्ड का टैक्स कलेक्टर है। इंस्पेक्टर साहब के लौट आने पर काफी देर बातचीत होती रही, पर इस बात का विषय मिठाई नहीं बल्कि जिला बोर्ड के चेयरमैन इंस्पेक्टर साहब का रिटायरमेंट और जमाना बड़ा बड़ा आ गया है था। उन तीनों के साइकिल पर चले जाने के बाद रुपन बाबू ने रंगनाथ को इंस्पेक्टर साहब के बारे में काफी बातें बताई जिनका सारांश निम्नलिखित है। वैसे तो वे, जैसा कि आगे मालूम होगा, बहुत कुछ थे, पर प्रकट रूप में वे जिला बोर्ड के सैनिटरी इंस्पेक्टर थे। होने को तो वे बहुत कुछ हो सकते थे, पर सैनिटरी इंस्पेक्टर हो चुकने के बाद उन्होंने बहुत ही उचित कारणों से संतोष की फिलॉसफी अपना ली थी। वे जहां तैनात थे वहां शिवपालगंज ही प्रगतिशील था, बाकी सब पिछड़ा इलाका था। वहां के सभी निवासी जानते थे कि अगर उनका पिछड़ापन छीन लिया गया तो उनके पास कुछ और न रह जाएगा। ज्यादातर किसी से मिलते ही वे गर्व से कहते थे कि साहब, हम तो पिछड़े हुए क्षेत्र के निवासी हैं। इसी से वे इंस्पेक्टर साहब पर भी गर्व करते थे। इंस्पेक्टर साहब उस क्षेत्र में 40 साल से तैनात थे और उनके वहां होने की जरूरत आज भी वैसी ही थी जैसी कि 40 साल पहले थी। सैनिटरी इंस्पेक्टर को कई तरह के काम करने पड़ते हैं। वे भी जेब में लैक्स मीटर डालकर घूमते और राजहंसों की तरह नीरक्षीर विवेक करते हुए नीरक्षीर में भेद न करने वाले ग्वालों के मोती चुगा करते। छूत की बीमारियों के वे इतने बड़े विशेषज्ञ थे कि किसी के मरने की खबर पढ़कर महज खबर सुन कर बता देते थे कि मौत कालरा से हुई थी या गैस्ट्रोएंटेराइटिस से। वास्तव में उनका जवाब ज्यादातर एक सा होता था। इस देश में जैसे भूखमरी से किसी की मौत नहीं होती, वैसे ही छत की बीमारियों से भी कोई नहीं मरता। लोग यूं ही मर जाते हैं और झूठ मूठ बेचारी बीमारियों का नाम लगा देते हैं। उनके जवाब का कुछ ऐसा ही मतलब होता था। वेश्याओं और साधुओं की तरह नौकरी पेशा वालों की उम्र के बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता, पर इंस्पेक्टर साहब को खुद अपनी उम्र के बारे में कुछ कहने में कोई संकोच न था। उनकी असली उम्र 62 साल थी, कागज पर 59 साल थी और देखने में लगभग 50 साल थी। अपनी उम्र के बारे में वे ऐसी बेतकल्लुफी से बात करते थे जैसे वह मौसम हो। वे सीधे सादे परोपकारी किस्म के घरेलू आदमी थे और नमस्कार के फौरन बाद बिना किसी प्रसंग के बताते कि उनका भतीजा ही आजकल बोर्ड का चेयरमैन है। उसके बाद ही एक किस्सा शुरू हो जाता जिसके आरंभ के बोल थे, भतीजा जब बोर्ड का चेयरमैन हुआ तो हमने कहा कि यह किस्सा पूरे क्षेत्र में दूध मिले हुए पानी की तरह व्यापक हो चुका था। किसी भी जगह सुना जा सकता था कि भतीज जब बोर्ड का चेयरमैन हुआ तो हमने कहा कि बेटा, हम बहुत हुकूमत कर चुके, अब हमको रिटायर हो जाने दो, अपनी माथहती न कराओ। पर कौन सुनता है आजकल हम बुजुर्गों की। सभी मेंबर पहले ही चिल्ला पड़े कि वाह, यह अभी कोई बात हुई, भतीजा बड़ा आदमी हो जाए तो चाचा को इसकी सजा क्यों मिले, देखें आप कैसे रिटायर हो जाएंगे। बस तभी से दोनों तरफ बात पर बात रही है। पिछले 3 साल से हम हर साल रिटायर होने की दरख्वास्त देते हैं और उस तरफ से मेंबर लोग हर साल उसे खारिज कर देते हैं। अभी यही किस्सा चल रहा है। इस लत के साथ उन्हें एक दूसरी भी लत पड़ गई थी। उन दिनों वे रोज स्टेशन पर शहर से आने वाली गाड़ी देखने लगे थे। गार्ड आने के पहले और बाद वे प्लेटफॉर्म पर नियमित रूप से टहलते तंदुरुस्ती बनाने और अपने को दिखाने के लिए स्टेशन मास्टर ड्यूटी करता रहता था।
वे टहलते टहलते उसके पास पहुंच जाते और कुल्हड़ जैसी हेड सिर पर रखे हुए कुर्सी पर बैठ जाते। फिर पूछते, बाबूजी पैसेंजर गाड़ी कब आ रही है? स्टेशन मास्टर उन्हें बहुत दिन देख चुका था, उसे कुछ और देखना बाकी न था। रजिस्टर पर निगाह झुकाए है वह कहता, जी आधा घंटा लेट है। वे कुछ देर चुप रहते, फिर कहते, क्या हाल चाल है बच्चों के? जी भगवान की दया है। वे मासूमियत के साथ पूछते, आपका भतीजा भी तो रहता था आपके साथ? जी हाँ भगवान की दया है। अच्छा लग गया, टिकट कलेक्टर हो गया? वे जवाब देते, अपना भतीजा भी अच्छा लग गया। पहले तो जब वह वालंटियर था लोग हंसी उड़ाते थे, आवारा कहते थे। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर साहब हंसते, कहते, अब तो मैं उसी का माथत हूँ, रिटायर होना चाहता हूँ। पर वह होने ही नहीं देता। स्टेशन मास्टर रजिस्टर देखता रहता। वे दोहराते, 3 साल से ऐसे ही खींच रहा है, मैं नौकरी से अलग होना चाहता हूँ। वह कहता है कि तजुर्बेकार आदमियों की कमी है, आप क्या गजब कर रहे हैं। स्टेशन मास्टर कहता, बड़े बड़े नेताओं वाला हाल है, वे भी बार बार रिटायर होना चाहते हैं पर उनके साथ वाले उन्हें छोड़ते ही नहीं। वे दोबारा हंसते, कहते, बिल्कुल वही हाल है, फर्क यही है कि मुझे रोकने वाला मुझसे बहुत ऊंचा बैठा है, उनको रोकने वाले उनसे बहुत नीचे हैं। वे जोर से हंसने लगते। स्टेशन मास्टर रजिस्टर के पन्ने पलटने लगता। कुछ दिनों बाद सैनिटरी इंस्पेक्टर साहब को अनुभव हुआ कि स्टेशन मास्टर अपने काम में कुछ ज्यादा दिलचस्पी ले रहा है। वे जब आकर कुर्सी पर बैठते तो वह भौहों में बल डालकर रजिस्टर को बड़े गौर से देखता पाया जाता। कभी कभी वह पे सिर से एक कागज पर जोड़ बाकी सी लगाता। रजिस्टर तो वह पहले भी पढ़ता था पर भौहों के बीच शिकन और पेंसिल का इस्तेमाल बिल्कुल नई चीजें थी, जिससे प्रकट था कि स्टेशन मास्टर अपने काम में बुरी तरह फंस गया है। उन दिनों सवाल जवाब कुछ इस तरह चलता, आजकल शायद आपके पास बहुत काम है, और क्या हाल चाल है? ठीक है, गाड़ी कब आ रही है? राइट टाइम। आपका भतीजा तो लखनऊ में ही है ना? जी हाँ, अपना भतीजा तो आजकल रिटायर ही नहीं होने देता, चेयरमैन है। इंस्पेक्टर साहब स्टेशन मास्टर के आचरण का आधा बड़े गौर से देख रहे थे। हालत दिन पर दिन गिर रही थी। जैसे ही वे सिर पर कुल्हड़ जैसी हैट लगाए हुए उसके सामने आकर कुर्सी पर बैठ जाते, वे देखते कि रजिस्टर पर उसकी आंखें टपक कर गिरने ही वाली है। कभी कभी वह उनके सवाल अनसुने कर जाता। इंस्पेक्टर साहब सोचते कि सरकारी नौकरी करके भी अगर काम करना पड़ा तो ऐसी जिंदगी पर लानत है। अचानक एक दिन उनकी गाड़ी देखने की लत खत्म हो गई। वे उस दिन रोज की तरह स्टेशन पर आए और स्टेशन मास्टर के पास आकर बैठ गए। आज वह रजिस्टर पर पेंसिल से नहीं बल्कि कलम से लग कर रहा था। उसकी भौहों से लगता था कि काम के साथ ही वह खुद भी खत्म होने वाला है। इंस्पेक्टर साहब ने शुरू किया, आजकल आपके पास काम बहुत है। जी हाँ, उसने अचानक जोर से कहा। वे कुछ झिझक से गए, फिर धीरे से बोले, पैसेंजर गाड़ी। इस बार स्टेशन मास्टर ने कलम रोक दी। उनकी ओर सीधे देर उसने सधी आवाज में कहा, पैसेंजर गाड़ी कौन घंटा लेट है और आपका भतीजा बोर्ड का चेयरमैन है, अब बताए इसके बाद आपको क्या कहना है। इंस्पेक्टर साहब कुछ देर में इसकी ओर देखते रहे, फिर उठकर धीरे से चल दिए। एक पॉइंटमैन बोला, क्या हुआ साहब? कुछ नहीं कुछ नहीं, वे बोले, साहब के पास काम बहुत है, हमारा भतीजा भी आजकल इसी तरह झुंझलाया करता है, बड़ा काम है। आज जोगनाथ मेले में रूपन बाबू के साथ एक वजह से आया था, उसे डर था कि अकेले रहने से पुलिस उसे छेड़ने लगेगी और कहीं ऐसा ना हो कि उसे अपनी मोहब्बत में एकदम से जकड़ ले। वे लोग मेले की धज में निकले हुए थे। रुपन बाबू ने कमीज के काला के नीचे एकदम नया रेशमी रुमाल बांध लिया था और केवल सौंदर्य बढ़ाने के उद्देश्य से आंख पर काला चश्मा लगा लिया था। सनीचरना छोटे पहलवान ने लंगोट की पट्टी को आज हाथी की सूंड की तरह नीचे नहीं लटकने दिया था, बल्कि उसे इतनी मजबूती से पीछे ले जाकर बांधा था कि पट्टी का वह दूसरा सिरा लंगोट के तार तार हो जाने पर भी उनके पीछे दुम की तरह ही चिपका रहे। यही नहीं, उन्होंने आज बिना बनियान का एक पारदर्शी कुर्ता और एक पार दर्शी मार्किंग का अंगोछा लुंगी के रूप में पहन लिया था। जोगनाथ रुपन बाबू से सटकर चल रहा था। वह एक दुबला पतला नौजवान था। उसे देखते ही शिवपालगंज के पुराने आदमी हंसी भरकर कहते थे, जोगनाथवा को देखकर अयोध्या महाराज की याद आती है। अयोध्या महाराज अपने जमाने के सबसे बड़े ठग थे और दूर दूर से लोग उनके पास चालाकी सीखने के लिए आते थे। जोगनाथ से लोगों को आशा थी कि कुछ दिनों में उसके सहारे इतिहास अपने आप को दोहराएगा। जिस दिन गांव में चोर आए थे उस दिन से जोगनाथ को लोग कर ढंग से देखने लगे थे।
गया दीन के यहाँ चोरी हो जाने के बाद जोगनाथ को कुछ ऐसा जान पड़ने लगा था कि उसे पहले से ज्यादा इज्जत मिल रही है। आम के बागों में जहाँ चरवाहे कौड़ियों से जुआ खेल रहे होते, जोगनाथ के पहुँचते ही लोग निगाह बचाकर अपने पैसे पहले टेंट में रख लेते और तब उसे बैठने को कहते। बाबू रामाधीन के दरवाजे पर भंग पार्टी के बीच जोगन फ्लश का खेल शिवपालगंज में जोगनाथ के मुकाबले कोई भी नहीं खेल पाता था। एक बार सिर्फ पेयर के ऊपर उसने खन्ना मास्टर की ट्रेल फिंकवा दी थी। उस दिन सब जोगनाथ की धाक कुछ ऐसी जमी कि उसके हाथ में तीन पत्ते आते ही अच्छे अच्छे खिलाड़ी अपने ताश देखना भूलकर उसी का मुंह देखने लगते। जैसे ही वह पहला दांव लगाता, आधे से ज्यादा खिलाड़ी घबराकर अपने पत्ते फेंक देते। सुना है राणा प्रताप का घोड़ा चेतक मुगल सेना के जिस हिस्से में पहुंच जाता, वहां चारों ओर भीड़ फटकर उसके लिए जगह निकाल देती। मुगलों के सिपाही सिर पर पैर रखकर असंभव चाल से भागने लगते। वही हालत जोगनाथ के दांव की थी। जैसे ही उसका दांव मैदान में भगदड़ पड़ जाती, पर गयादीन के यहाँ चोरी हो जाने के बाद कुछ ऐसा हो गया था कि लोग जोगनाथ को देखकर फ्लश के दर्गनों के बारे में बात करने लगते। वे जुआरी जब पहले उसे देखकर एक हीरो का स्वागत देते थे और खाना पीना भूलकर उसके साथ खेलते रहते, अब अचानक बड़ी जिम्मेदारी के साथ बाजार जाने की, घास काटने की या भैंस दुहने की याद करने लगते। यह जोगनाथ के लिए परेशान। उधर अभी कुछ दिन हुए दारोगा जी ने उसे थाने पर बुलाया था। वह साथ में रुपन बाबू गया था। दारोगा जी ने कहा, रुपन बाबू, जनता के सहयोग के बिना कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने गंभीरता से समझाया था। गया दीन के घर की चोरी के बारे में कुछ पता नहीं लग रहा है। जब तक आप लोग सहयोग नहीं करेंगे, कुछ भी पता लगाना मुश्किल है। रुपन बाबू ने कहा, हमारा पूरा सहयोग है। यकीन ना हो तो कॉलेज के किसी भी स्टूडेंट को गिरफ्तार करके देख ले। दारोगा जी कुछ देर यूं ही टहलते रहे, फिर बोले, विलायत का तरीका इस मामले में सबसे अच्छा है। 80% अपराधी तो खुद ही अपराध स्वीकार कर लेते हैं। हमारे यहाँ तो कहकर वे रुक गए और पूरी निगाह से जोगनाथ की ओर देखने लगे। फ्लश के खेल में ब्लफ लगाने वाली सभी निगाह से जोगनाथ ने भी दारोगा जी की ओर देखा। जवाब दिया रुपन बाबू ने, कहा, विलायत वाली यहाँ न चलाए। 80% लोग अगर अपने अपने जुर्म का इकबाल करने लगे तो कल आपके थाने में 10 सिपाहियों में से ड्यूटी देने के लिए सिर्फ 2 ही बचेंगे, बाकी हवालात में होंगे। हुआ यही था कि बात हंसी मजाक में टल गई थी। जोगनाथ को दारोगा जी ने क्यों बुलाया यह साफ नहीं हो पाया था। उसी का हवाला देते हुए रुपन बाबू आज बड़प्पन के साथ बोले, ये जोगनाथ यूं मरे चमगादड़ जैसा मुंह लटकाकर चलने से क्या होगा, मौज करो। दारोगा कोई लकड़बग्घा तो है नहीं, तुम्हें खा थोड़े ही जाएगा। पर छोटे पहलवान खींच के साथ बोले, हमारा तो एक डम्पलाटी हिसाब है कि इधर से आग खाओगे तो उधर से अंगार निकालोगे। जोगनाथ कोई वैद्यजी से सलाह करके तो गा यादीन के घर कदे नहीं थे, फिर अब उनके सहारे पर क्यों झूल रहे हैं। जोगनाथ ने विरोध में कोई बात कही, पर तभी उनके पीछे से एक बैलगाड़ी घरघराती हुई निकल गई। रंगनाथ चेहरे की धूल पोंछने लगा। छोटे पहलवान ने आंख का कोना तक नहीं दबाया। गीता सुनकर जिस भाव से अर्जुन 18 दिन कुरुक्षेत्र की धूल फांकते रहे थे, उसी तरह छोटे पहलवान बैलगाड़ी की उड़ाई हुई सारी धूल फांक गए। फिर बेरुखी से बोले, सच्ची बात और गधा की लात को झेलने वाले बहुत कम मिलते हैं। जोगनाथ के लिए लोग जो बात गांव भर में फुसफुसा रहे हैं, वही हमने भड़भड़ाकर कह दी। इस पर कहा, सुनी किस बात की, सनीचर ने शांति स्थापित करनी चाहिए। प्रधान हो जाने की आशा में वह अभी से वैद्य जी की शाश्वत सत्य कहने वाली शैली का अभ्यास करने लगा था। बोला, आपस में कुकरहाव करना ठीक नहीं। सारी दुनिया जोगनाथ को चाहे जो कुछ कहे, हमने उसे एक बार भला कह दिया तो कह दिया। मर्द की जबान एक की दो। छोटे पहलवान घृणा पूर्वक बोले, तो तुम मर्द हो। रास्ते में उन्हें लंगर दिखाई पड़ा। रंगनाथ ने कहा, यह यहाँ भी आ पहुंचा। लंगर एक मकोए की झाड़ी के नीचे अंगोछा बिछा कर बई था। हुआ सुस्ता रहा था और होंठों ही होंठों में कुछ बुदबुदा रहा था। सनीचर बोला, लंगर का क्या, जहाँ चाहा वहाँ लंगर डाल दिया, मौजी आदमी है। छोटे पहलवान अपने प्रसिद्ध अखबारी पोस्ट पर उतर आए थे, यानी उनक फोटो अगर अखबार में लगता तो उसके सहारे वे अपने सबसे सच्चे रूप में पाठकों तक पहुंचते। असीम सुख की उपलब्धि में नीचे का होंठ फैलाकर दांत पीसते हुए, आंखें सिकोड़े हुए अपनी जांघ के मूल भाग को बड़े उद्रेक से खुजला रहे थे। शायद इस उपलब्धि में लंगर के कारण कोई बाधा पड़ गई थी। झल्ला कर बोले, मौजी आदमी, साला सूली पर चढ़ा बैठा है। परसों तहसीलदार से तू तड़ाक कर आया है, मौज कहां से करेगा। वे लोग नजदीक से निकले। रुपन ने ललकार कर कहा, कहो लंगर मास्टर, क्या रंग है।
नकल मिली। लंगड़ ने गुदगुदाना बंद कर दिया। आंख पर हथेली का छज्जा बनाकर उसने धूप में रुपन बाबू को पहचाना। कहा, कहां मिली बापू? र इस रास्ते नकल की दरखास्त सदर के दफ्तर भेजी गई और उधर उस रास्ते से मिसल वहां से यहां लौट आई। अब फिर गया मामला 15 दिन को। सनीचर ने कहा, सुना तहसीलदार से तू तड़ाक वाली बात हो गई है। कैसी बात बापू? लंगर के होंठ फिर कुछ बुदबुदाने की तैयारी में कांपे। जहां कानून की बात है वहां तू तड़ाक से क्या होता है? छोटे पहलवान ने घृणा से उसकी ओर देखा, फिर झाड़ियों और दख्तों के सुनाने के लिए कहा, बात के बताशी फोड़ने से क्या होगा? साला जाकर नकल अनवीस को 5 रुपये टिका क्यों नहीं देता? तुम यह नहीं समझोगे छोटे पहलवान, यह सिद्धांत की बात है, रंगनाथ ने उसे समझाया। छोटे पहलवान ने अपने मंच बूट कंधों पर एक अनावश्यक निगाह डालकर कहा, वह बात है तो खाते रहो चक्रघिनी। कहकर सैकड़ों यात्रियों की तरह वे भी झाड़ी के पास पानी गिराने की नीयत से गए और वहां एक आदमी को खुले में कुछ चीज गिराते हुए ए देखकर उसे गाली देते हुए दूसरी ओर मुड़ गए। अध्याय 15। छोटे पहलवान ने कहा, हमें दर्शन वर्शन नहीं करना है, यहाँ तो बस लाल लंगोटी वाले की गुलामी करते हैं और जितने देवी देवता हैं उनको भूसा समझते हैं। बहस इस पर हो रही थी कि पहले मंदिर में देवी का दर्शन कर लिया जाए। छोटे की इस बात का किसी ने जवाब नहीं दिया, किसी ने उन्हें समझाने की कोशिश नहीं की। सभी जानते थे कि उन्हें समझाने का सिर्फ एक तरीका है और वह कि उन्हें जमीन पर पटक कर और छाती पर चढ़कर उनकी हड्डी पसली तोड़ दी जाए। उधर छोटे ने यह दिखाने के लिए कि वे नास्तिक नहीं है खड़े होकर अपनी जांघ पर ढोलक सी बजानी शुरू कर दी। जब इससे उनकी आस तिक्ता प्रमाणित नहीं हुई तो वे एक गाना भुना भुनाने लगे, बजरंग बली मेरी नाव चली, जरा बल्ली कृपा की लगा देना। मिठाई की एक दुकान की ओर इशारा करके उन्होंने कहा, मैं वहीं चलकर पेट में तब तक कुछ डालता हूँ, वहीं आना। फिर अपने आप से बोले, सवेरे से मुंह बांधे घूम रहे हैं, पेट साला फटफटा रहा है। रंगनाथ को यही बताया गया था कि मंदिर सतजुग का बना हुआ है, वह शुरू से ही किसी शिलाखंड पर ब्राह्मी अक्षर पढ़ने की कल्पना कर रहा था, पर मंदिर को दूर से देखते ही उसे विश्वास हो गया कि अपने देशवासी समय के बारे में सिर्फ 2 सही शब्द जानते हैं और वे हैं अनादि और अनंत। इसके सिवाय वे लगभग 75 वर्ष पुराने मंदिर को आसानी से गुप्त काल या मौर्य काल में धकेल सकते हैं। मंदिर के ऊपर बने हुए बेलबूटों के बीच लिखा था, बनवाया मंडप महिषासुर मर्दिनी का मिसम्मे इकबाल बहादुर सिंह वल्ब नरेंद्र बहादुर सिंह तखत भीखापुर ने मिति कार्तिक बदी दशमी संवत 1950 विक्रमी को। इसे पढ़ते ही रंगनाथ का सारा पुरातत्व हवा में उड़ गया। यह न समझना चाहिए कि भीखापुर का तख्त सितारा या पूना रियासत का तख्त था। अवध के लाखों जमींदारों के घर इस तरह के न जाने कितने टूटे फूटे तख्त पड़े रहा करते थे, जिन पर बैठकर वे अपनी रियाया यानी 2-1 हलवाहों का सलाम होली या दशहरा पर कबूल करते थे। मंदिर पर खर्च होने वाली रकम का अंदाज करके रंगनाथ समझ गया कि यह तख्त भी उन्हीं लाखों तख्तों में से एक था। मंदिर की इमारत भी तख्त जैसी ही थी। एक कमरा था जिसमें सिर्फ एक दरवाजा था। अंदर की दीवारों पर चारों ओर वार्डरोब जैसे बना दिए गए थे, उन्हीं में अनेक प्रकार के देवताओं के रहने का प्रबंध था। दरवाजे में घुसते ही सामने के वार्डरोब में जो मूर्तियां दिखती थी उन्हीं में देवी की मुख्य प्रतिमा सी थी। वह सचमुच ही एक प्राचीन मूर्ति थी। जोगनाथ मंदिर में घुसते ही बड़ी फुर्ती से साष्टांग लेट गया, जैसे लड़ाई के मैदान में धमाके की आवाज सुनते ही सिपाही लेट जाते हैं। फिर पंजों के बल बैठकर उसने बड़ी भावुकता से एक भजन सुनाना शुरू किया जिसके बोल तो समझ में नहीं आए, पर यह समझ में आ गया कि वह रो नहीं रहा है, गा रहा है। जोगनाथ की भावुकता न गांजे की चिलम से पैदा हुई थी न शराब के चुगिर से। उसके पीछे सिर्फ पुलिस का डर था। जो भी हो, वह इतनी साफ थी कि 2-4 लोग अपना भजन भूलकर सिर्फ उसका भजन सुनने लगे। थैंक यू वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब।